इसका सीधा सा जवाब है कि क्योंकि यह मुगल तरीका था। मुगल यूरोप में उस राजघराने की तरह नहीं थे जिसमें राजगद्दी ज्येष्ठ पुत्र को सौंपी जाती थी। एक प्रकार से मुगल तरीका सभी पुत्रों के प्रति अधिक न्यायप्रिय था। प्रत्येक के पास सिंहासन पर एक अच्छा शॉट था। इसका नकारात्मक पक्ष उत्तराधिकार के युद्ध थे जिन्होंने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 1658 में बादशाह शाहजहां बीमार हो गया और इसके परिणाम स्वरूप उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शाहजहां के बेटों को यकीन था कि वह जल्द ही मर जाएगा। दुर्भाग्य से उनके लिए वे गलत थे। उनके पुत्र दारा शिकोह शाह शुजा मुराद बख्श औरंगजेब आलमगीर सभी ने इस युद्ध में भाग लिया। अंत में औरंगजेब को सफलता मिली और उसके तीनों भाई मारे गए। दारा शिकोह अकेला भाई नहीं था जिसे औरंगजेब ने मारा था, यह इतिहासकार का कहना है। पर हकीकत में क्या सच्चाई है? क्या औरंगजेब जुल्मी बादशाह था या फिर वो एक ईमानदार राजा था? आप कमेंट में जरूर बताएं। बिना किसी के सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, तो मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें।